મિત્રો, અંજામ એક્સપ્રેસ 24/7 ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. સમાચાર છે વડોદરાથી કે સિટીઝન કાઉન્સિલ દ્વારા આજ રોજ વાર્ષિકોત્સવ યોજવામાં આવ્યો હતો. સંસ્થા દ્વારા સ્પોર્ટ ક્લબ વાડેશ્વર હનુમાન મંદિર પાસે પરિવાર 4 રસ્તા વાઘોડિયા રોડ સ્થિત વાર્ષિક બાળક મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં 25 આંગણવાડી નાના નાના ભૂલકાઓ દ્વારા એક્શન સાથે અલગ અલગ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે યુનાઇટેડ વે ઓફ વડોદરાના રચના પરી ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા. बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और आरोग्य लक्षी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करते हैं. उसमें से एक प्रोग्राम है बॉन्ड लर्निंग और आंगनबाड़ी एडॉप्शन प्रोग्राम, जो यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत सपोर्ट से हम लोग ये चलाते हैं 25 आंगनबाड़ीज़ में. और दूसरा FGI और सी फाउंडेशन भी हमको सपोर्ट करते हैं दूसरे आंगनबाड़ी. जो ये 25 आंगनबाड़ी यूनाइटेड वे जो सपोर्ट करती है, उसमें आज हम लोगों ने एनुअल फंक्शन रखा है, जिसमें 25 आंगनबाड़ी के बच्चे अलग अलग परफॉर्मेंसेस करेंगे. इससे एक मेन ये है, हेतु हमारा ये है कि बच्चे, हर बच्चा जो आंगनबाड़ी का है वो स्टेज पर आएगा, उसको एक अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उसके डेवलपमेंट में ये एक योगदान देगा. इसीलिए ये प्रोग्राम रखा गया और सभी आंगनबाड़ी के इवन पेरेंट्स आके ये प्रोग्राम इन्जॉय करने वाले हैं और अपने बच्चों को फर्स्ट टाइम स्टेज पर देख के उनकी खुशी जो होगी वो हमारे लिए एक सक्सेसफुल है. हाँ मैडम, ये प्रोग्राम जो है आंगनवाड़ियों के लिए रखा गया है, ये आंगनवाड़ी कहाँ की है, शहर की है कि गांव की? नहीं, ये जो 25 आंगनवाड़ी सेलेक्ट की हुई है, ये शहर की आंगनवाड़ी है. और इसमें हम लोग बच्चों को दूध प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन के तौर पर, जिससे उनका जो हेल्थ है वो अच्छा रहे, क्योंकि ICDS द्वारा काफ़ी सारे खाने पीने की चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती है जो ऑलरेडी उनको सपोर्ट करती है. उसके साथ साथ हमारा एक ये था कि दूध एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को मिलनी चाहिए और हर बच्चा ये अच्छे से पीता भी है. और दूसरी चीज़ ये है कि क्वालिटी एजुकेशन, तो हमारे जो फैसिलिटेटर्स हैं वहाँ जाके टीचर्स के साथ मिलकर बच्चों को अलग अलग रीत से इनोवेटिव चीज़ों से सिखाते हैं, जो जैसे बोलते हैं ना, उनके ही आंगन में जो पत्थर है या फूल है या उससे रंग है या गिनती है, ये अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं. प्लस टीचर्स का ट्रेनिंग रखते हैं, जिससे टीचर्स भी एक ही आंगनबाड़ी में सालों से पढ़ाते पढ़ाते उनका एक मोनोटोनस होता है, तो इनके साथ जब मिलते हैं तो टीचर्स भी एक उनका एक नया सा डेवलपमेंट रहता है. तो एक बच्चों का और आंगनबाड़ी का एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम रहता है. मैडम, ये प्रोग्राम करने के लिए फंडिंग कहाँ से आता है? ये यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा से टोटल हमने 38 आंगनबाड़ीज अडॉप्ट की है, जिसमें से 25 आंगनबाड़ीज यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा फंड करती है, 10 आंगनबाड़ी फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज फंड करती है और दूसरे 3 आंगनबाड़ी जो है वो सी फाउंडेशन फंड करती है. मैडम, आपका नाम? मैं प्रिया जगदाले, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बड़ौदा सिटीजन.